तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ अभी फिलहाल इको सीएनजी लेटेस्ट 2023 फेसलिफ्ट वाले मॉडल में, और आज हम देखने वाले हैं कि इसके स्पीडोमीटर में क्या क्या फीचर्स हमने को देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, और जैसा रिव्यू वीडियो को प्यार मोहब्बत दिया, ऐसा ही इस वीडियो में भी प्यार मोहब्बत दिखा दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में आपको जरूर से मिल जाएगा। तो चले गए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मीटर अभी फिलहाल हमारा ऑफ है, इग्निशन हमने ऑन नहीं किया है। ऑन करने के बाद जो है कुछ ऐसा लुक आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो है स्पीड अपने डिजिटल मिलती है, यानी कि स्पीड दिखाई देगी 10, 20, 30, 40 ऐसे, और नीचे छोटी सी MID दी गई है। इस साइड अपने को CNG का फ्यूल गेज मिलता है। इसमें जो है CNG किस साइड इसका फिलिंग वॉल है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब एरो उस साइड है तो फिलिंग वॉल अपना जो है खाली साइड होगा। और जो पेट्रोल का भी यहाँ पे अलग से जैसा अल्टो में दिया जाता है MID, ऐसा ही सेम दिया गया है। और जो है गाड़ी आपकी जो है पेट्रोल जो पॉइंट ब्लिंक नहीं कर रहा है उसमें गाड़ी स्टार्ट होगी, और जो है स्टार्ट होने के बाद जो है इंजन वार्म अप होने के बाद जो है गाड़ी अपने आप CNG में कन्वर्ट हो जाएगी। और CNG में जब कन्वर्ट होगी तो जो है यहाँ पे CNG ब्लिंक करना बंद कर जाएगा। और इसमें जो है अपने को टोटल ओडोमीटर और जो है ट्रिप ए, ट्रिप बी और जो है अपना किलोमीटर सारा कुछ जो है सिस्टम अपने को देखने मिल जाता है। और जो है साइड साइड में बात करें तो एरर लाइट के बारे में, तो ABS एयरबैग और जो है हैंड ब्रेक अभी हमारा चढ़ा हुआ है तो हैंड ब्रेक की लाइट भी इसमें जो है शो करने लग जाती है। और साइड में इंजन चेक लाइट और जो है ऑयल प्रेशर गेज और जो है प्लस माइनस का बैटरी वाला सिंबल अपने को सारा कुछ जो है सिस्टम देखने मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जो है गाड़ी में CNG खत्म हो जाएगी तो ये वाला CNG वाला पॉइंट जो है ब्लिंक करने लग जाएगा। और जो है और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कोल्ड स्टार्ट का भी जो है यहाँ पर लोगो अपने को मिल जाता है। और कुछ ऐसा डिजिटल मीटर अपने को देखने मिल जाता है 2023 वाले इको फेसलिफ्ट मॉडल में। और जो है इंजन इमोबिलाइजर का सिस्टम यहाँ कुछ दिया गया है। अब जो है इको की सादी चाबी नहीं है, अब जो है थोड़ी बड़ी चाबी कर दी है, जैसे अल्टो में आती है वैसी ही चाबी कर दी है, थोड़ी बड़ी बड़ी चाबी लगती है। मैं इंजन इमोबिलाइजर नाम का सेंसर लगा है जो गाड़ी के इंजन के कोड के साथ मैच होगा तब भी जो है गाड़ी स्टार्ट होगी, कि इसकी गाड़ी चुरा लोग तो किसी भी हाल में नहीं कर सकता है, ओरिजिनल चाबी के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और छोटा सा नॉक अपने को यहाँ पे देखने मिल जाता है। और इस वाले मीटर में कोई RPM मीटर वगैरह का कुछ भी सीन नहीं है, नॉर्मल से बेसिक से कंट्रोल दिए गए हैं। बस यही था इको के डिजिटल स्पीडोमीटर के बारे में। सेम अल्टो, K10 और जो है एस्प्रेसो का मीटर डाल दिया गया है। और जो है पेट्रोल वाले मॉडल में सिर्फ जो है पेट्रोल के बार आते हैं, और CNG वाले मॉडल में CNG के बार भी अलग अलग दोनों साइड जो है देखने को मिल जाते हैं। और जो है वो सारा कुछ जो है सिस्टम अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो सारा कुछ सिस्टम मिलता था वो अब मारुति ने बिल्कुल हटा दिया है। अपनी बेसिक से बेसिक गाड़ी में भी जो है अपने डिजिटल मीटर देने की कोशिश की है मारुति ने। उसका फुल डिटेल रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे जरूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो में जैसा प्यार दिखा ऐसा इस वीडियो में भी जरूर से दिखा दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।